एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि एक ओर जहां मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, वहीं प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया जा रहा है। सरकार ने एबीवीपी की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो एबीवीपी प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करने से पीछे नहीं हटेगी। एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि एक और जहां मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, वहीं प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया जा रहा। सरकार ने एबीवीपी की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई न की गई तो एबीवीपी प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करने से पीछे नहीं हटेगी। ये बात एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि हाल ही में ऊना में आयोजित एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन में इस संबंध में दो प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स की कमी चल रही है, सड़कों की खस्ता हालत में सुधार, पेड़ कटान पर रोक लगाने, कृषि बागवानी के किसानों की नीति बनाने, आवारा पशुओं व बंदरों की समस्या से किसानों को निजात दिलाने की मांग भी एबीवीपी ने उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार का लापरवाह रवैया है, सीयू को लेकर सरकारें गंभीर नहीं है, बस राजनीति तक ही सीमित होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि सीयू स्थायी परिषद निर्माण को लेकर सरकार समय निर्धारित करे, अन्यथा एबीवीपी को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि और वसूली को बंद किया जाए, छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। एबीवीपी द्वारा उठाई गई मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। 10 से 12 नवंबर हिमाचल प्रदेश विद्यार्थी परिषद का प्रांत अधिवेशन संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में दो प्रस्ताव भी पारित हुए, हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, ऐसे दो प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित हुए। साथ ही इस अधिवेशन में नव कार्यकारिणी 2019-20 की हिमाचल प्रदेश की नव कार्यकारिणी का गठन भी, घोषणा भी जो है इस अधिवेशन में की गई। राहुल जी, अभी प्रेस वार्ता में आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया और सरकार को भी आड़े हाथ लिए, मुख्यमंत्री खुद इस राष्ट्रीय जो आपका प्रांत अधिवेशन हुआ है ऊना में उसमें मौजूद थे, बावजूद इसके आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के कोई सकारात्मक पहल नहीं देखने की नजर आ रही है? देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर विद्यार्थी परिषद जब से नव सरकार आई है तब से लेकर आंदोलनरत है और हमारे मांग पत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और इसीलिए इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण को लेकर समय सीमा तय की जाए, ये विद्यार्थी परिषद की मांग है। और पूर्व HRD मिनिस्टर जब शिलान्यास में आए थे तो उस समय भी विद्यार्थी परिषद ने इस मांग को मेमोरेंडम के माध्यम से उनके बीच रखा था। लेकिन 2 साल सरकार बने हुए हो गए हैं, आपकी विचारधारा की सरकार प्रदेश में है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय गति पकड़ पाया है ना, छात्र संघ चुनावों को लेकर आपकी मुख्य मांग है बहाल करने का, ना उस पर कार्रवाई हुई? देखिए, जिस प्रकार से पिछली सरकार को इस हमारी मांगों को ना मानने का खामियाजा भुगतना पड़ा, इस वर्तमान सरकार को भी ये खामियाजा ना भुगतना पड़े तो उससे पहले है कि इस मांगों को जल्द से जल्द, जो छात्रों के डायरेक्टली हित की मांग है, छात्र हित की मांग है, उसको पूरा नहीं करते हैं तो उसका खामियाजा भी इस वर्तमान सरकार को चुनावों में भुगतना पड़ेगा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।